मेरी बेटी को कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो सेफ है आपकी बेटी। ये सामने बैठकर पिज्जा खा रही है और गेनो डाल। कहीं मिलेंगे ऐसे अच्छे किडने पर आपको। बेटी एक पिज्जा। थैंक यू। रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपकी बेटी को डॉक्टर साहब, गारंटी के साथ। अब आप भी थोड़ी सी शराफत कीजिए, 2 घंटे में 50 लाख का इंतजाम कर लीजिए। कितना? 50 लाख। आप तो समर्थ आदमी हैं। अरे छींकेंगे तो फटाक से निकल जाएंगे इतने पैसे। अब पैसे कहाँ लाने ये तो आपको पता है। 2 घंटे, 2 घंटे में पैसे नहीं आए ना तो ये पिज्जा आपकी बेटी की जिंदगी का आखिरी पिज्जा होगा, गारंटी के साथ। आंखें मत जाओ, नहीं तो रस्सी कस जाएगी। हाँ हाँ, वो सच में तुम्हारा बच्चा नहीं होता? ना जी, मैं तो यहाँ पे अकेली रहती हूँ। वो तो ये बच्ची को लेकर आया और कहने लगे कि बच्ची बीमार है, खाने को खाना और पीने को पानी मिल जाता तो उसे दवाई दे देते। दरवाजा खोला तो ये दोनों मर्दूत झपट पड़े मुझ पर। बाद में पता चला किसी अमीर बाप की बच्ची को उठा कर लेकर आया और फिरौती के पैसे मांग रहे उससे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इतना टेंशन में भी तुमको पिज्जा खाने का मन करता? नहीं मतलब पिज्जा कितना अनहेल्दी होता पता है हेल्थ के लिए, उससे मोटा होता। हाँ, इतना पिज्जा पिज्जा तुम खाता ना तो पिज्जा ही हो जाता, कहीं से भी फैल जाता। सच में अगर इतना ही भूख लग रहा था तो कुछ और मंगाता, कुछ हेल्दी। तुम मौसम्बी का जूस या सैलेड या फिर सैंडविच ये सब मंगाता ना। वो पिज्जा बच्ची के लिए मंगाया था हमने, उसे भूख लगी थी। और बच्चे तो यही सब खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर वगैरह, और उसकी तो हर बात इन्हें माननी पड़ेगी। उनके लिए 50 लाख का चेक जो है ये लड़की उनके लिए। मेरे टीम आता, हम दोनों को बचाता, उस बच्ची को भी बचाता, हम सब सेफ होता। हाँ इन तीनों में से किसी एक बंगले में हमने आखिरी बार करीना को अंदर जाते हुए देखा था। नहीं पर मैडम सर ये देखिए, ये तीनों घर चेक किया है मैंने, बस सबके बाहर के लिखा हुआ है। तो फिर क्या करें, दोबारा इन घरों में जाकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक वो घर हुआ जहाँ पर ये औरत फंसी हुई है तो हो सकता है उन्हें शक हो जाए और औरत की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। क्या करें? अब तो एक ही इंसान है जो इस सिचुएशन में हमारी मदद कर सकता है, करिश्मा मैडम। टीम बैक टू बेस, चलिए चलिए। हाँ मैडम सर बताइए। ये देखिए, जब हम उस लोकेशन पर थे तब ये 3 वाईफाई हमें दिखा रहे थे, देखिए इससे कुछ मदद मिलती है क्या? रॉकी 001। हाँ, लाल शर्मा और हवा हवाई, हवा हवाई। हे शिव जी, सबसे बड़ा वाईफाई तो आप ही के पास है। अब आपने अपने दया के वाईफाई का रास्ता हमें दिखाई और हमारी फूल से बच्ची करीना और मुसीबत की मारी औरत को बचाई। ए, तेरे वाईफाई का नाम क्या है बता। ए, बता ना। हवा हवाई। हवा हवाई? और पासवर्ड? बोल। बताओ 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 बता। मनीषा 1 2 3। मनीषा 1 2 3। सर 2 एक्सेस मिल गया, बस किसी तरह अगर मुझे तीसरा मिल गया। सर थैंक यू सो मच। मैडम सर, साइबर टीम की हेल्प से तीसरा एक्सेस भी मिल गया। फैंटास्टिक। मैडम सर, मैडम सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछे हम। हाँ हाँ पूछिए। फिलहाल हमें करीना को बचाने के बारे में सोचना चाहिए ना ही फ्री का वाईफाई ढूंढ के उसको यूज करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं मतलब अगर करीना को कुछ भी हो गया ना तो हमारी डायन बहू यहाँ यहाँ हमारे यहाँ स्ट्रॉ भोग के खून पी जाएगी। पुष्पा जी देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन करीना हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट वो औरत भी है। हो सकता है कि वो परेशानी में फंसी हो, हमारे वहाँ पहुँचने का इंतजार कर रही हो, तो इसलिए तो हम ये वाईफाई कनेक्ट करके ये सारे तामझाम कर रहे हैं। प्लीज आप पेशेंट रहिए और काम रहिए,
संतोष शर्मा कुछ हुआ पता चला? जी मैडम सर, ये रॉकी 007 पे ना कोई साइंस क्विज की साइट चालू है। साइंस क्विज? हाँ। बच्चा हो सकता है कोई बच्चा कोई साइंस क्विज खेल रहा हो? हाँ। और देखो क्या है? और ये दूसरा, ये लाल शर्मा 007 पे कोई क्लोथिंग ब्रांड की साइट चालू है। अच्छा ठीक है, और वो तीसरा कनेक्शन हवा हवाई उस पर क्या चल रहा है? देखो देखो देखो, पासवर्ड मिल गया, पासवर्ड मिल गया। देख तेरा भाई क्या मस्त लड़की बताता है डेटिंग ऐप से। देख मैं भी एक मस्त मूवी डाउनलोड करता हूँ। वाह वाह। कैसा है प्यार, एक भी लड़की नहीं पड़ रही है। रुक मैं ट्राई करता हूँ। कर कर कर। हाँ ये देख, ये देख। तीनों वाईफाई यूजर्स की एक्टिविटी को देखते हुए हमें हवा हवाई यूजर्स पर शक हो रहा है, इनको ट्रैक करते हैं। ठीक है, एक काम करो, अब उसी डेटिंग ऐप पर दो नए प्रोफाइल बनाओ, बिल्कुल फेक नहीं लगने चाहिए, एकदम रियल प्रोफाइल लगने चाहिए। जी पुष्पा जी, जी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से आने और जाने की सिर्फ ये एक ही जगह है, आपको नजर रखनी है, कोई भी अगर सस्पिशियस इंसान लगे तुरंत हमें बताइए, हमने फोर्स बुलाई है, वो आने वाली होगी। जी बिल्लू, तुम हमारे साथ बैकअप बनकर वहाँ चलोगे, जब हम अंदर जाएंगे तब तुम बाहर रहकर नजर रखोगे, क्लियर? यस मैडम। और आप सबसे पहले करीना को बाहर लेकर आएंगे। हाँ एक काम करते ना, करिश्मा सिंह को बुला लेते हैं, वो देख लेंगे क्या करना है। नहीं नहीं मैडम सर, वो तो हम मजाक कर रहे थे, वो थोड़ा माहौल टेंशन वाला है ना इसलिए। संतोष शर्मा क्या हुआ, बना प्रोफाइल? हाँ अब अब मैडम सर, हॉबी में क्या लिखूं? अरे कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ डन। तो मैडम सर, ये नए प्रोफाइल के हिसाब से आप है टीना और मैं हूँ नगीना, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दे, जैसे एक्सेप्ट करें ना मैडम सर, अपनी बात बन जाए। बहुत बड़ी, ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चूहे के सामने चीज रखा है वो अपने बिल से बाहर आए। और फिर चीज भी तो देखिए क्या कमाल की चीज है। नहीं मेरा मतलब है कि हम कमाल की चीज बनकर जाएंगे ना मैडम सर। अबे मुझे मिल गई, मुझे मिल गई जी। अरे मेरे को भी मिली, मस्त है देख। अरे मिली 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 मिली, देख मुझे भी मिली, फिरंगी। संतोष शर्मा सिर्फ तैयार होने के लिए कहा था, ये सब क्या है? क्यों इतनी तुच्छ लग रही हो मैडम सर? कमाल की चीज बनकर जाएंगे, ऐसी बात हुई थी ना, कमाल तो लगना चाहिए ना। हाँ पुष्पा जी, आवाज आ रही है ना मैडम सर? हाँ 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 जी मैडम सर, हमें आपकी और संतु की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। ठीक, ऑल द बेस्ट मैडम सर। रेडी? हाँ रेडी मैडम सर, स्टाइल में मैडम। हाँ ये क्या था? पता नहीं। टीना, नगीना, आइए 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 आइए, बेसब्री से इंतजार था, आइए। अब बैठिए ना। ए क्या बैठी है बेटी हैं? अरे जिस काम के लिए आई हो जल्दी शुरू करो, जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। ऐसे पोल डांस ही लिखा था ना अपने अपने प्रोफाइल में। मैडम सर और पोल डांस, मतलब सबकी पोल खुल जाएगी अब। हम ऐसे किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते नहीं है, है? आपका किया क्योंकि पोल डांस करने वाली हैं आप, जल्दी शुरू करो, इंतजार नहीं हो रहा मेरे से। वॉशरूम? हाँ एक बार जरा थोड़ा चचप कर ले। अरे जाओ उधर है वॉशरूम, जाओ और जल्दी आओ, पोल डांस शुरू करो। ठीक है जाओ जाओ जल्दी जाओ। पोल डांस क्यों लिखा हॉबी में? सॉरी मैंने तो ऐसे लिख दिया था मैडम। अरे अरे उधर किधर जा रही हो? अरे पोल डांस इधर करना है, यहाँ आओ। प्यास लगी है ना तो पानी तो वहीं होगा। अरे प्यास बुझाने के लिए सारा इंतजाम किया हुआ है, कॉकटेल है, मॉकटेल्स है। अरे तुम पोल डांस शुरू करो, प्यास बुझाने की अंधी हमारी है। ये यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, एटलीस्ट बताना चाहिए था ना हमें। Exactly. वैसे आप लोगों ने भी कहाँ बताया कि आप पोल नहीं झोल करने आई। वैसे कमाल है ना, इस घर में एक बच्ची है, एक महिला है, तीन पुलिस वाली और हम दोनों भी है। पता नहीं था पुलिस वाले होकर भी आप इतनी टैलेंटेड है।
पुलिस वाली, ये आप क्या कह रहे हैं? बेवकूफ समझा है क्या? पूरी जिंदगी बीत गई पुलिस वाले के साथ उड़ी दफा खेलते हुए। सूंघ कर पहचान लेता हूँ कौन पुलिस वाला है। पहचान तो पहले से लिया था हमने तुम्हें, सोचा थोड़ा पोल डांस का मजा ही ले लेते हैं। वैसे पोल डांस कमाल का किया था, नहीं है? अरे मजेदार, एकदम कॉमेडी पोल डांस किया आप लोगों ने। और अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी एक सहकर्मी पीछे कमरे में बंधी हुई है। आई थी फन्नेखा बनकर हम सबको पकड़ने के लिए, पर काट के बिठा दिया पीछे कमरे में। कहो तो तुम लोगों को भी बिठाऊं क्या? मना किया था डॉक्टर को कि पुलिस को ना बुलाए, धोखा दिया है उसने हमें। ए फ्रूटी, फोन कर उसको, उसको बोल कि आधे घंटे में अगर पैसे लेके यहाँ पर नहीं आया, उसकी बच्ची को मार कर निकल जाएंगे हम लोग। अभी करता हूँ डॉक्टर के बच्चे को। पुलिस को बुलाया ना, चालाकी की। अगर आधे घंटे में पैसे नहीं आए ना, तो इस बच्ची को तो यही काट के डालेंगे। और तुम लोगों को भी बताता हूँ, रास्ता दिखाइए, हमारी रक्षा कीजिए शिवजी, रास्ता। इन राक्षसों के लिए महाराक्षस नहीं, महाचुड़ैल को ही बुलाना पड़ेगा, वही इन सबकी अकल ठिकाने लगाएगी। रोल एन एक्शन। तुझे तेरे माँ के चिता के अंगारों की कसम, तुझे तेरे बहन की राखी के धागे की कसम, तुझे तेरे भाई के खून का सौगंध, ले ले बदला, चला दे गोली और अपने खानदान के बदले का इंतकाम ले ले, चला गोली, चला दे गोली। मैडम मैडम, अरे कट कट कट, अरे यार ये क्या आदमी कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने पुलिस से कोई हेल्प मांगी ही नहीं थी, तो आप लोगों को किसने कहा था मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने के लिए? देखिए, मेरी बच्ची किडनैप हुई है ना, मेरी बच्ची किडनैप हुई है। हाँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? ये है हमारी बहुरानी। रहने दीजिए पुष्पा जी, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्या देने के लिए पैसा जो है 40-50 लाख चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? बच्चा तो वापस आएगा, वो भी सुरक्षित। ऐसे ही कल किसी ने गलती किया होगा, अपहरणकर्ता का डिमांड पूरा किया होगा, बच्चा सुरक्षित वापस ले लिया होगा, इसलिए आज आपका बच्चा गायब। आज आप उनका डिमांड पूरा करेंगे, कल किसी और का बच्चा गायब होगा। आपके पास देने के लिए पैसा, आप अपना बच्चा वापस ले लें, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? उनके पास उनका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा, आप समझें हमारी बात को। क्योंकि आप जैसे रईस जाते लोग ना, अपहरणकर्ता का मुंह लालच के खून से भर देते हैं। तो आप ही बताइए, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। हाँ, आपकी बच्ची सही सलामत आपके पास वापस आएगी, ये वादा है करिश्मा सिंह का, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। अब अपहरणकर्ता को बैग आप नहीं, हम देने जाएंगे।
समझ सकते हैं आपका घबराहट पुष्पा जी, अगर करीना को कुछ भी हुआ ना तो। हाँ जी, चेहरे का वरदान ही हमको बचाएगा। क्या पहना है करीना ने? हा, हा? क्या पहना है करीना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कब आएंगे तुम्हारे लोग? आता आता सब आता, और टीम के बहुत सारे लोग वो बचाने आता हमको। तुम घबराओ मत। अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है। संतोष शर्मा, हम पुलिस वाले, हम इस तरह से घबरा नहीं सकते, वरना हम दूसरे लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे? प्लीज। अम्मा, तुम्हारा घबराहट और इनका घबराहट में फर्क होता। इनका घबराहट में अस्थमा अटैक आता। क्या? हाँ, और अगर इनको अटैक आता तो ये, और फिर इनके साथ मेरा गला और खिंचता और मैं भी घबराहट में। समझो समझो। फ्रूटी, अंदर वाले पुलिस वाले यहाँ आए हैं, भाग निकली अंदर से। बाबरे, ये आप कैसे आ गई? अरे ये गुंडों की गैंग तो बढ़ती जा रही है, और ये तो तुम्हारी तरह कपड़े भी पहने हुए हैं। कहाँ है तुम्हारे पुलिस वाले, अब तक आए क्यों नहीं? एक मिनट, अरे हम वही है। चुप रहिया, आपको शर्म नहीं आती एक औरत होते हुए ये सब काम करते हुए? अरे एक्सक्यूज मी मैडम, हम पुलिस वाले ही है। हाँ, बेवकूफ समझ के रखा शिकल जी, चोर लगते हो और कहते हो कि पुलिस वाले हो। नहीं नहीं, ये सच में पुलिस वाले ही है, हमारी टीम के लोग है ये। क्या? सुनो, बच्ची कहाँ है? हाँ, वो तो दूसरे कमरे में। बिल्लू छोड़ा, हम बच्चे को लेकर आते हैं। जी हाँ हाँ, छोड़ाते। खुल गए। उधर था, अरे आप भी बंदे हैं, हमारे बंदे हैं।